बहुत बड़ी खबर आ रही है हरियाणा के महेंद्रगढ़ से, जहां पर एक पूर्व सरपंच को गोलियों से भून दिया गया है। पूरी खबर से पहले आपसे निवेदन, चैनल को कर लें सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट कर दें। आपको बता दें, महेंद्रगढ़ जिले में गांव दनोदा के पूर्व सरपंच को बदमाशों ने गोलियों से छलनी कर दिया है। बदमाशों ने गोलियां मारने के साथ ही पूर्व सरपंच का एक हाथ भी तेजधार हथियार से काट दिया। महेंद्रगढ़ CIE के अलावा लोकल पुलिस भी बदमाशों की धरपकड़ में जुटी है। पूर्व सरपंच का आपराधिक रिकॉर्ड भी रहा है। मर्डर के मामले में अभी हाल ही में वह पैरोल पर बाहर आया था। मृतक की पहचान 35 वर्षीय पूर्व सरपंच विक्रम सिंह दनोदा के रूप में हुई है। गांव में और रेवाड़ी में उनका एक मकान भी है। मंगलवार की रात वह गांव में घर पर गया हुआ था, तभी पहले से घात लगाए बैठे बदमाशों ने उस पर एक नहीं दो नहीं बल्कि कई राउंड फायर किए। इतना ही नहीं, तेजधार हथियार से बदमाशों ने उसका एक हाथ भी काट दिया। करीब 8 से 10 राउंड फायरिंग की आवाज़ सुनकर विक्रम के परिजन जैसे ही बदमाश मौके से फरार हो गए। विक्रम को गंभीर हालत में रेवाड़ी के ट्रामा सेंटर लाया गया, जहां उसे चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। आपको बता दें, 2016 में पंचायती चुनाव में विक्रम सिंह दनोदा को सरपंच चुना गया था। चुनावी रंजिश के चलते सरपंच रहते हुए विक्रम ने 11 जून 2016 को फिल्मी स्टाइल में अपने ही गांव के विनोद उर्फ बाता को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया था। इस मामले में बहुत सारे नाम जद किए गए थे, लेकिन आपको बता दें, विक्रम को इस मामले में उम्र बताया जा रहा है। बदमाशों ने इसी का बदला पूर्व सरपंच से लिया है। आपको क्या लगता है, कमेंट करके बताएं और हमारे यूट्यूब चैनल से देश व हरियाणा खबरों के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।